राज्यपत्रिता कर्मचारी महासंघ के द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल किया। हेजियारा से चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट। हाजीपुर ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बिहार राज्यपत्रिता कर्मचारी महासंघ के द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों हड़ताल किया। इस दौरान सदर अस्पताल का ओपीडी सेवा बाधित हो गया, जिसके कारण जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने कहा कि पूरे भारत में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज हड़ताल किया गया है। कोरोना काल के दौरान 18 महीने का बकाया सरकार नहीं दे रही है, पुरानी पेंशन सरकार नहीं दे रही है, जो कर्मचारी 60 वर्ष काम करेंगे उनको पेंशन नहीं देने की बात कह रही है। सरकार हम लोगों की मांग नहीं मान रही है। आशा ममता कोरियर की मांग पूरी करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं की गई है। सरकार 8वें पे कमीशन भी लागू नहीं कर रही है। स्वास्थ्य कर्मी दिन रात मेहनत करके मरीजों की सेवा करते हैं, उसके बावजूद भी सरकार हम लोगों की मांग नहीं मान रही है, जिसे लेकर सभी स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने के कारण सदर अस्पताल के ओपीडी सेवा पूर्ण रूप से बाधित है। हालांकि डॉक्टर ड्यूटी में मौजूद है। ओपीडी सेवा बाधित होने के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद 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 CITU जिंदाबाद 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 सभी ट्रेड यूनियन आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग के पूरे भारत में CITU ट्रेड यूनियन के द्वारा बंद किया गया है। 18 महीने का बकाया डीए हम लोग जो कोरोना में काम किए वो नहीं दे रही है, पुरानी पेंशन नहीं दे रही है, माने जो कर्मचारी 60 वर्ष काम करेंगे उनको पेंशन नहीं देने की बात हो रही है। MP MLA सब लोग पेंशन लेते हैं, एक बार दो बार जीत के जाते हैं तो हम लोग ये महंगाई बढ़ा रहे हैं। आम जनता तबाही में है और सरकार को सुन नहीं रही, वादा करती है कि देंगे, वादा खिलाफी करती है। आशा ममता कुरियर स्कीम वर्कर के कहा गया है कि हम मान दे देंगे, पिछले बार भी हम लोग हड़ताल में गए थे तो वादा किए थे कि आशा ममता कुरियर को देंगे, वो भी नहीं दे रहे हैं। ये आसमा पे कमीशन लागू नहीं कर रहे हैं तो क्या हम लोग भूखे काम करेंगे? हम लोग अपना काम खेती है, मजदूर सब करते हैं, लेकिन काम ये गवर्नमेंट नहीं सुनती है, ना भारत सरकार ना बिहार सरकार, खाली धोखाधड़ी करती है। हम लोग कैसे रहेंगे बताइए? काम करते दिन रात स्वास्थ्य विभाग में काम होता है, कोरोना ऐसा काम में हम लोग 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा काम किए, 18 महीने का डीए नहीं दिया जा रहा है। क्यों भाई आप लोग लीजिएगा? हम लोग कहाँ है? हम लोग भारत के नागरिक नहीं है क्या? हम लोग काम करते हैं तो मजदूरी मांग रहे हैं, भूखे काम कैसे करेंगे? काम दीजिए, वेतन दीजिए, काम किए तो वेतन दीजिए, तंग तवा बंद कीजिए। यही हम लोग पूरे भारत में आज है कि सभी ट्रेड यूनियन सभी सरकारी कर्मचारी हम लोग ये सरकार भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं।